आपको बता दें नेक्सा ने अपनी जिमनी अगर बात करें शिमला राजधानी में भी यहाँ पर शोरूम खुल चुका है नेक्सा का गोयल मोटर्स की तरफ से, और खासतौर पर अपर लुक के जो लोग हैं जिन्हें काफी परेशानी होती है तो उनको अब उनकी परेशानी दूर होगी क्योंकि अब ढली बाईपास में ये शोरूम खुल चुका है। और आज जो आपको बता दें जिमनी जिसका काफी बेसब्री से इंतजार यहाँ पर था तो आज यहाँ पर लॉन्च यहाँ पर कर दिए। क्या खासियत है इस गाड़ी की, ऑफ रोड इस गाड़ी को कहा जाता है कि ऑफ रोड के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर गाड़ी है, तो ऐसा क्या है? तो हमारे साथ सुनील वर्मा जी है, उनसे हम जानेंगे पूरी इस गाड़ी की पूरी डिटेल यहाँ पर जानेंगे कि क्यों लोग इसे यहाँ पर खरीदे। सुनील जी लाइफ टाइम सीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और आपका भी गोयल मोटर के इस नए शोरूम में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी दिल्ली में लोगों के लिए यहाँ पर खुल चुका है नेक्सा का शोरूम यहाँ पर खुल चुका है, अगर आप आज बात करें जिमनी भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया, तो क्या विशेष है इस गाड़ी की, क्यों लोग इसे परचेज करें? सर जैसे मारुति जो है वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग नए से नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो हर एक कस्टमर की जरूरत के हिसाब से हैं, तो उसी कड़ी में एक नया प्रोडक्ट आज एड ऑन किया जाएगा जो एक लेजेंडरी प्रोडक्ट है ऑलरेडी जिमनी। तो सबसे बड़ी बात इसकी है जो ये 5-door जिमनी है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च करी गई है। वैसे जिमनी जो है ग्लोबल प्रोडक्ट है और ओवर 3.2 million जो है वो नंबर्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट ये और यूनिक इस गाड़ी की आइडेंटिटी यही है कि ये 5-door SUVs हैं जो इस गाड़ी को और गाड़ियों से बिल्कुल अलग करती हैं, और लोगों का इसके लिए बहुत टाइम से रिस्पांस भी है, और ये मोस्ट सर्च्ड गाड़ी है जो ऑनलाइन लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं देख रहे हैं, तो आप लोगों का रिस्पांस भी देख रहे हैं तो बहुत टाइम से वेटिंग कर रहे हैं। जनवरी में इसकी बुकिंग शुरू हो गई थी तो उसके बाद आज ही मौका आया जब हम अपने नए शोरूम पे इस गाड़ी को लॉन्च करना चाह रहे हैं। सुनील जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो देखना चाहते हैं अंदर बाहर से इसके फीचर देखना चाहते हैं, क्या स्पेशियस है, अगर आप फैमिली के साथ लेना चाह रहे हैं गाड़ी फैमिली के लिए तो क्या उनके लिए बिल्कुल सही गाड़ी है? बिल्कुल सर, जैसे ये गाड़ी स्पेशली बात कर रही है कि हिल होल्ड असिस्ट और बहुत सारे ऑफ टेरेन रोड के लिए यूज़ करने के लिए है, तो उसी के साथ इसमें बहुत सारे कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स भी ऐड ऑन मारुति ने किए हैं जो कि इसको एक फैमिली कार भी बनाती है। बहुत सारे सेफ्टी फीचर इंक्लूड किए हैं जो जिससे कि ये फैमिलीज के लिए सेफ एंड सिक्योर भी है, फीचर लोडेड भी है, और बहुत सारे जो हिल वाले फीचर्स हैं जिसको हम ऑफ रोडिंग वाले फीचर्स बोलते हैं उसके साथ भी ये गाड़ी लॉन्च कर रही है। फीचर्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये गाड़ी जो है जैसे मैंने बताया कि 5-door जिमनी है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो 3-door ऑप्शन के साथ आती हैं, बट ये 5-door ऑप्शन है जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, और इंडियन कंडीशन के हिसाब से स्पेशली ये डिज़ाइन करी गई है इंडियन कस्टमर की नीड को देखते हुए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि 5-door का ऑप्शन है, और लेग रूम और हेड रूम की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा हेड रूम भी है, और इस गाड़ी का जैसे आपको बताया कि ऑफ रोडिंग और नाइट कैंपिंग के लिए इस गाड़ी का मेन यूजेज है, तो इस गाड़ी में फ्लैट फोल्डिंग सीट भी आ जाती है जिसमें ये पूरा फ्लैट बेड बन जाता है जिसके हिसाब से जो आप नाइट कैंपिंग के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाकी यूटिलिटी की फीचर्स की बात हम जब करते हैं तो ये गाड़ी में बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं जो कि आपको एक कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न वर्ल्ड की भी फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं। जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें 9-inch का आपको जो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस म्यूजिक सिस्टम जो है वो स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ किया गया है जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वायरलेस के साथ आता है। अभी तक जो गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसमें वायर के साथ चल रहा था, तो ये वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। पुश बटन स्टार्ट आपको इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कराया है कि पुश बटन स्टार्ट स्टॉप फीचर आ रहा है, साथ में इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल रहा है कि जब आप हाईवेज पे गाड़ी चलाते हैं तो इवन आपको एक्सीलेटर पैडल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्रूज करके एक बार आप स्पीड सेट करके उसी स्पीड में आप कर सकते हो। दूसरा बात करें कि इसमें हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल के फीचर्स आ रहे हैं जो कि इस गाड़ी को रफ टेरेंस और रिजिड रोड्स के लिए जो बनाने के लिए इस गाड़ी को टफ रोड्स के लिए भी यूज़फुल बनाते हैं। दूसरा आइडल स्टार्ट ऑफ फंक्शन का भी इसमें फीचर ऐड ऑन किया है जो कि आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में मदद करेगा। ये जब हम ट्रैफिक लाइट्स में रुकते हैं या जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जाम वाली जगह बहुत ज़्यादा है तो उन रोड्स पे भी करते हैं, तो फ्यूल एफिशिएंट भी इस गाड़ी को बनाते हैं। इस गाड़ी का इंटीरियर और देख रहे हैं पूरा स्क्रैच प्रूफ और रिजिड मटीरियल इस गाड़ी में यूज़ हुआ है जो इस गाड़ी को रफ़ रोड्स में चलने के लिए और ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, और आप मटीरियल देखेंगे बहुत ही अच्छे मटेरियल और क्वालिटी इम्प्रूव करी गई है। तो बहुत सारे फीचर इसमें आपको 4-door स्पीकर्स मिल रहे हैं, इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है वो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस आ रहा है विद सराउंड सेंस बाय आर्किमिस जो कि इसकी साउंड क्वालिटी को भी और ज़्यादा
एनहेंस करता है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ जो है आपको टॉप मॉडल्स में ही ऑप्शन मिलती थी बाकी गाड़ियों में, बट ये गाड़ी ऐसी है जिसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो स्पेशल इस बात की है जो इसका गियर बॉक्स है ऑल प्रो प्लस, जिसमें जो फीचर्स आ रहे हैं 4x4 का, जिसको हम ऑप्शन बोलते हैं, तो ये इस गाड़ी को एक यूनिक बनाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं 4x4 का ऑप्शन इस गाड़ी में है, जो कि इसको ऑल टेरेन गाड़ी जो है वो बनाते हैं। सुनील जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ अगर बात करें हिमाचल के माइलेज की, यहाँ पर बात करते हैं माइलेज का, अगर बात करें तो कितना माइलेज है हिल एरिया के मुकाबले इसमें? सर जैसे इस सेगमेंट में हम जो कस्टमर है वो सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करता है, माइलेज नहीं देखता था, बट मारुति के आपको यूनिक आइडेंटिटी है कि वो वैल्यू फॉर मनी और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बनाते हैं, तो उसी तरीके से इसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें K15B इंजन दिया गया है, जो 16.78 किलोमीटर का हाई माइलेज भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं इसमें। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि माइलेज को भी इम्प्रूव करती हैं सेफ्टी और स्टाइल के साथ साथ। अगर बात करें प्राइस की तो कितने से यहाँ पर स्टार्ट होती है, और इसका क्या और का मॉडल टॉप मॉडल या जो बेस मॉडल है क्या इसका प्राइस है? प्राइस सर मारुति की कोई भी गाड़ी जो है वो कभी ओवर प्राइस नहीं होती, और जो भी कस्टमर है उनकी विद इन रीच ही रहती है। तो इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 12.75 लाख से ये गाड़ी शुरू हो रही है, और 15.5 लाख तक जो है इसका टॉप मॉडल मिल जा रहा है। तो ये गाड़ी जो है वो प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, फ्यूल एफिशिएंट है, फुली सेफ्टी है, और ऑल टेरेन कार है। कलर की अगर बात करें कौन कौन से कलर इसमें जो है? और इसमें सर जैसे अब एक यूनिट आइडेंटिटी बनी चुका है मारुति गाड़ियों के भी, इसमें आपको डुअल टोन में 2 कलर्स मिल रहे हैं, और 5 सिंगल मोनो कलर्स भी मिल का ऑप्शन है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि नेक्सा ब्लू कलर है इसमें, उसके अलावा ब्लूइश ब्लैक कलर आ रहा है जो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और डुअल कलर में आप देखें तो काइनेटिक येलो प्लस ब्लूइश ब्लैक कलर है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है इसमें। फॉर्मेलिटीज़ क्या पूरी करनी होती है अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है दिल्ली, अगर यहाँ पर आए इस शोरूम में यहाँ पर आए, तो फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या यहाँ पर पूरी करनी होगी? ये गाड़ी सर जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी काफ़ी वेटिंग पे चल रही है, और ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर हमारे पास ये गाड़ी जो है बुक करवा रखे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सभी कस्टमर्स को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि वो हमारे इस नए गोयल मोटर के नेक्सा शोरूम में आएँ और इस गाड़ी का एक बार टेस्ट ड्राइव भी लें, और इस गाड़ी के फीचर्स को एक्सपीरियंस करें, और गाड़ी बुक करवाएँ ताकि हम जल्दी से जल्दी उनको गाड़ी प्रोवाइड भी करवा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ बातचीत करने का, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और जितने हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो जिम्नी यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी बेसब्री से लोगों को यहाँ पर इंतजार था। और बात करें हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ के रोड काफ़ी ख़राब रहते हैं, तो ऐसे में यह जिम्नी गाड़ी ऑफ रोड के लिए काफ़ी बेस्ट यहाँ पर मानी जा रही है, और काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर है, जिस तरह से यहाँ बताया गया कि 5 डोर्स ये गाड़ी है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 इसमें एयरबैग है, सेफ्टी पर्पज़ से भी इसको यहाँ पर देखा गया है, तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर है। और आपको बता दें कि अगर आप अपर एरिया में यहाँ पर रहते हैं तो आपको दूर जाने की अब ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल शिमला इनके राजधानी में ढली बाईपास में अब नेक्सा का शोरूम खुल चुका है, जहां से आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव।